नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीआर सोनी और फिजिक्स कॉस्मोस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली ये चैनल नेट, स्लेट, आईएएस, आरएएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, मैथमेटिक्स एंड साइंस, बेसिक साइंस के लिए और जनरली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, आईएएस, स्लेट और नेट के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। मेरा इस चैनल पे ये पहला वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जो कि आगामी महीने में आने वाली वैकेंसी है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा बजट में बताया गया था कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, इस वीडियो के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स से रिलेटेड सिलेबस के बारे में आप समझाऊंगा अभी। इस सिलेबस में किन किन क्लास के सिलेबस को कवर किया गया है, कौन कौन से बुक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसके लिए सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं और इसकी तैयारी कॉन्सेप्चुअल रूप से कैसे करनी है। देखिए, ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें कवर करता है और ये सिलेबस बेसिकली तीन चार स्टेपों में बनाया गया है। पहला जो स्टेप है वो स्किलिंग लेवल को क्लियर करता है। सेकेंड जो स्टेप है वो ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स को क्लियर करता है। थर्ड जो स्टेप है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के फिजिक्स सिलेबस को कवर करता है और चौथा फिजिक्स टीचिंग में पेडागोजी को सब्जेक्ट को क्लियर करता है। देखिए, बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कैसा है। आइए चलते हैं, इस सिलेबस किस टाइप से डिस्क्राइब किया गया है आरपीएससी के द्वारा। देखिए, फर्स्ट जो पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से बनाया गया है, जिसमें जो पहला टॉपिक बनाया गया है वो फिजिक्स वर्ड एंड मेजरमेंट के बारे में बनाया गया है। बेसिकली ये 11th क्लास के चैप्टर है। सेकेंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मोशन, थर्ड है वेक्टर, वेक्टर कैलकुलस। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस बीएससी या फिर एमएससी में पढ़ी हुई है तो वो बहुत साधारण से वेक्टर कैलकुलस के बारे में बताया हुआ है। लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर एक 11th क्लास का टॉपिक है। रोटेशन मोशन, ऑक्सीलेशन मोशन, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल रेवो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ऑफ वेरिएशन इन जी और ऑर्बिटल उसके वेलोसिटी, प्लेनेटरी लॉज, इसके बारे में जनरली इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, लिक्विड इन ए मोशन। देखिए, सीबीएसई के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये एक ही यूनिट है, इलास्टिसिटी सरफेस टेंशंस एक ही यूनिट को कवर करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 13 नंबर का, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है आरबीसी और सीबीएसई का। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी 11th क्लास को कवर करता है। रेडिएशंस नेक्स्ट है, वेव वेव लास्ट टॉपिक है सीबीएसई पार्ट का और आरबीसी के पार्ट का। और नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, ये दोस्तों 12th क्लास को कवर करता है रे ऑप्टिक्स। 12th क्लास की सेकंड जो फिजिक्स आती है, हालांकि अब तो एक ही फिजिक्स हो चुकी है, जो आप पहले आज से 3 या 4 साल पहले जो सिलेबस था आरबीएससी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये सेकेंड लेवल की फिजिक्स है। सेकेंड पार्ट फिजिक्स में आता है रे ऑप्टिक्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इससे रिलेटेड है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में बताया हुआ है कैसे लेंस फॉर्मेशन बनता है। बेसिकली इसमें थियोरेटिकल पोर्शन आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है। कैपेसिटेंस, जो कि सेकेंड यूनिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इससे से रिलेटेड है। मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट, जो कि फर्स्ट बुक को कवर करता है 12th क्लास की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉस, लेंज लॉ के बारे में बताया हुआ है। देखिए, ये यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। अल्टरनेट करंट, ये भी इस यूनिट से जुड़ा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स, अब आ जाते हैं, ये सेकेंड बुक में पार्ट आता है वेव ऑप्टिक्स का, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ये भी इससे से रिलेटेड है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, फोटो सेल के बारे में बताया हुआ है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डिविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने बीएससी में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अल्फा बीटा गामा डीके और रेडियो एक्टिविटी, हाफ लो, न्यूक्लियर जो मास इफेक्ट है, बाइंडिंग थ्योरी है, ये आपने एमएससी और ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है इस टॉपिक को। और 12th लेवल के काफ़ी बेसिक पॉइंट है इसका, काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये भी 12th क्लास का पोर्शन है, सेकंड फिजिक्स के लिए है और इस पे ग्रेजुएशन लेवल पे आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 12th लेवल की सबसे लास्ट टॉपिक में आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एफएम बैंड है, एएम वेव है,
ये बैंड कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे मैथमेटिकल प्रोसेस होती है इसके अंदर, स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसी वेव होती है, कौन सी वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, कौन सी वेव ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, कैसे वेव जनरेट होती है, इसके बारे में बताया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल को कवर करता है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे अलग अलग बुकें चलती है, आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप अलग बुक को डिस्क्राइब करते हो, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी बुक जो बेसिकली चलती है मार्केट में उसके बारे में बताया गया है। यूनिवर्सिटी के तरीके से अलग अलग बुकें का यूज़ किया जाता है बच्चों द्वारा, और सिलेबस भी यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी के अलग अलग है, MLSU का अलग है, RU यूनिवर्सिटी का भी, लेकिन कुछ पोर्शन इसके अंदर सब में सेम रहता है, उसी पोर्शन को इसके अंदर मिलाया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका मैकेनिक्स का, बेसिकली ये बुक BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ी जाती है, ज़्यादा इसके अंदर पोर्शन नहीं हुआ है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इनिशियल फेम के बारे में, नॉन इनिशियल फेम के बारे में है, और कॉरिलेस इफेक्ट है इस एप्लीकेशन के बारे में, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट जो एनालिसिस है, बेसिकली 12th क्लास से जुड़ा हुआ है। आप कॉन्सेप्ट इस पर डिफाइन किया जाए तो 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को इसके अंदर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेव और एक्सेलरेशन, ये भी BSc फर्स्ट ईयर की ही एक बुक है। मैं आपको आसानी से इसके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में डिफाइन करके बताऊंगा जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, कैसे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है या कोई इसे थ्योरेटिकल पूछा जाता है, मैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट का आपको समझाऊंगा। इसके अंदर पोटेंशियल वेव है, हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के बारे में बताया हुआ है, स्टेडी स्टेट के बारे में बताया हुआ है, टू कपल ऑक्सीलेशन के बारे में, नॉर्मल मोड्स के बारे में बताया हुआ है, वेव मीडिया इन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, बेसिकली 12th क्लास से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसके ही कॉन्सेप्ट को इसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर आप 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको वेव ऑक्सीलेशन समझने में आसानी होगी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है 12th क्लास से, लेकिन बेसिक इससे से ही जुड़ा हुआ है, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके अंदर काफ़ी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों पार्ट मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी बनाई गई है, ये भी BSc फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑक्सीलेशंस और मैकेनिक्स, ये तीनों ही बुक चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, MLSU हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, इसमें ही ज़्यादा मुख्यतर चलती है इसके अंदर ये बुकें, तीन ही बुकें फर्स्ट ईयर को कवर करती है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स में है तो उसके अंदर एक बुक और एक्स्ट्रा जाती है, लेकिन आमतौर पे इन्हीं बुक का यूज़ किया जाता है, इन्हीं टॉपिक्स को BSc फर्स्ट ईयर में कवर किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है थर्मोडाइनेमिक्स और स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, ये बेसिकली BSc सेकेंड ईयर का पार्ट आता है, और इस पे थर्मोडाइनेमिक्स लो आपने 12th क्लास से थोड़ी हटके बुक है ये, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, स्टेटिस्टिकल थियरी आती है, मैक्सवेल रिलेशनशिप आते हैं, कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बताया हुआ है, बेसिकली ये स्टेटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स फिजिक्स का मिला जुला रूप है। और आपने अगर MSc में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स एक पूरी बुक थी और इसी से ही रिलेटेड है ये फिजिक्स में, अगर आपके स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगी समझने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, और ये भी BSc सेकेंड ईयर को कवर करती है, और देखिए MSc का जो पार्ट है जो सर्किट एनालिसिस का है वो BSc के पार्ट से थोड़ा सा अलग है, MSc के पार्ट में स्पेशली ऑपरेशन एम्पलीफायर है या फिर ट्रांजिस्टर पे काफ़ी डिफाइन करके बताया गया है, लेकिन इस पे काफ़ी आसानी से बताया गया कि कैसे एक डायोड बनता है, डायोड का वर्क प्रोसेस कैसा होता है, ट्रांजिस्टर का वर्क प्रोसेस कैसा होता है, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर कैसे बनाए जाते हैं, एल थ्योरी क्या है, कैपेसिटेंस क्या होती है, पाई सेक्शन फिल्टर क्या होते हैं, जीनर डायोड के बारे में बताया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है। देखिए ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल बनने की इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी BSc सेकेंड ईयर की एक बुक है, और ये इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये तीनों शामिल किए हुए हैं। बेसिकली ऑप्टिक्स में आप अगर आप सेकेंड ईयर में आपको ध्यान है तो आपने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ये इससे रिलेटेड है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इसका भी एक्सपेरिमेंट है,
ऑप्टिक्स में थिन फिल्म से न्यूटन रिंग से रिलेटेड, और ये बेसिक पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ऑप्टिक्स आमतौर पे। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्टों में से एक मानी जाती है बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल पर। हमारे यहाँ पे जो जो ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताया गया है कि कैसे क्लासिकल थ्योरी फेलियर हुई और कैसे फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स का डिफाइनेशन हुआ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे से इससे रिलेटेड है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करके कैसे आप सॉल्व करेंगे, डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में इसमें बताया हुआ है, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इसके अंदर, पोटेंशियल वेल क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को कैसे जोड़ा गया है। देखिए बेसिकली अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स और जो आपकी वेव थ्योरी है उसको अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है और आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। थियोरेटिकल पोर्शन भी इसके अंदर बहुत अच्छा है बता रखा है, पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा इसको। और नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है और एमएससी में भी आपने इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, काफ़ी डिस्क्रिप्शन किया होगा कैसे पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में और कैसे चार्ज होते हैं, कैसे मास है इनके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो आपके नेक्स्ट जो अलग अलग पार्टिकल्स आते हैं यूनिवर्स के अंदर मौजूद है उसके बारे में डिफाइन किया होगा, उसका मास कैसा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, जो कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। साइक्लोट्रॉन ये भी बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये 12th लेवल की सॉलिड स्टेट फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो इंग्लिश मीडियम की बुकें बहुत अच्छी तरह से क्लियर करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग बुक को फॉलो करती है, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आप एसओ पिल्लई को बेटर बुक मानते हैं, एसओ पिल्लई काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करती है, इवन आईआईटी भी इसके लिए कहती है कि एसओ पिल्लई काफ़ी अच्छी बुक मानी गई है आईआईटी के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। मेरा बेस्ट एम यही रहेगा कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को चूज़ करके और इसके अंदर थ्योरेटिकल में पोर्शन में आपको अप्लाइड करूँ। नेक्स्ट पार्ट है जो थर्ड पार्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है काफ़ी कम आता है लेकिन काफ़ी टफेस्ट पार्ट में से एक माना जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो पहला पार्ट है जो एमएससी फर्स्ट सेम के लिए अप्लाइड होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स ये दोनों है। हम जो मैथमेटिकल फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पढ़ते हैं जो नेट में पढ़ा जाता है, इसके अंदर काफ़ी शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट बनाया गया है, सिलेबस कवर कर रहा है इसको, जैसे टेंसर है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसकी मैथमेटिकल फिजिक्स की एक पोर्शन है, फूरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आता है, बेसल इक्वेशन है, स्ट्रिंग फॉर्मूला है, बेसिक ग्रुप थ्योरी है जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पोर्शन है, पॉइजन ब्रैकेट ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन है, पॉइजन थियरम भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन है, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल, इस पर थियोरेटिकल पोर्शन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इवन न्यूमेरिकल के। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये एडवांस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है एक्चुअल में, जो कि बीएससी के लेवल से काफ़ी हाई एडवांस है, और रेडिएशन कैसे एक मूविंग चार्ज से फ्री होती है, उस रेडिएशन में रिटार्डेशन कितना होता है, कैसे डाइपोल डिफाइन किया जाता है रेडिएशन से थ्रू, इसके अंदर भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, काफ़ी कम नंबर की है लेकिन इम्पोर्टेंट है पढ़ने की दृष्टि से। थर्मोडायनेमिक्स स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स जैसा कि मैंने पहले बताया था बीएससी थर्ड ईयर में भी आपके आप इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पैराडॉक्स और आइंस्टीन कंडेंसेशन थ्योरी इसके अंदर नई ऐड की गई है। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वांटम फिजिक्स, काफ़ी टफेस्ट फिजिक्स में से एक है, डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर है, मेथड है, आइडल आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है, स्पिन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 12th क्लास की इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, इसके अंदर नया जो चैप्टर जो ऐड किया जाता है वो है क्लिपर क्लैपिंग, जो कि आप बीएससी थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं इसके बारे में। एम्पलीफायर इसके अंदर नया है, एम्पलीफायर भी यूज़ किया जाता है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में कवर होता है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीफायर की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस और इसके बारे में थियोटिकल बताया हुआ है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये एमएससी थर्ड सेम में इसके बारे में पढ़ा जाता है, आपने जैसा पढ़ा होगा।
अलग अलग सैम के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग सिलेबस डिफाइन करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज सिलेबस को कवर करती है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ये लास्ट आप सेम में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर क्या क्या यूज़ किए जाते हैं फिजिक्स पढ़ाते समय। और जो लास्ट का पार्ट है इसके अंदर फोर्थ स्टेज में पार्ट फोर में वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ने टीचिंग लर्निंग में काफ़ी छोटा सा पार्ट आता है इसके अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, देखिए ये बीएड जो सेकंड ईयर अगर आपने कर रखी है, 2 ईयर में इसको बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये बीएड सेकंड ईयर का जो पोर्शन है, जो थियोरेटिकल जो बुकें आती है इसके अंदर से रिलेटेड लिया गया है ये बुक, ये पोर्शन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स टीचिंग लर्निंग्स एंड आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशंस वगैरह इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हर पार्ट का कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे नंबर इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं, टोटल कितने मार्क्स का होता है और हर पार्ट के कितने नंबर डिफाइन किए हुए हैं। जो फर्स्ट पार्ट था आपने पढ़ा था सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और जो फर्स्ट पार्ट था सीनियर सेकेंडरी लेवल का उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 आते हैं, जो टोटल मार्क्स कवर करते हैं 110 110 मार्क्स। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आप कवर कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही इसके अंदर क्लियर होते हैं और काफ़ी आसान सा रहता है इसको क्लियर करना बनिस्पत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट होती है, काफ़ी अच्छा पेपर बनता है इसके अंदर। जो नेक्स्ट जो है पार्ट को कवर करता है वो ग्रेजुएशन लेवल है, इसके अंदर भी सेम मार्क्स होते हैं, 55 क्वेश्चन आएंगे, 110 मार्क्स को कवर करेगा। और जो नेक्स्ट पार्ट था वो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आएंगे जो कि 20 नंबर्स को कवर करेगा। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल का वो आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। पीजी लेवल का आप जो अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने अभी एमएससी क्लियर की है, जो एमएससी रनिंग में है, जो उसको इस एग्ज़ाम को देंगे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को, वो बच्चे इसके लिए काफ़ी टच में रहेंगे इससे और वो आसानी से सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी मार्क्स कम कवर किए हुए हैं इसके अंदर, क्वेश्चन भी कम है, लेकिन आपके लिए एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करें और जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स हम इस बारे में डिफाइन करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। और जो पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी के से रिलेटेड जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर कवर करते हैं। देखिए अगर आप इस फोर्थ पार्ट को अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से क्लियर करें, तो आपके लिए 60 मार्क्स काफ़ी आसानी से क्लियर हो सकते हैं। ज़्यादा रैंक इसकी जो कट ऑफ होती है वो उसकी हाई नहीं जाती है, आउट ऑफ 500 में से जो जनरल स्कीम आ जाती है 200 के आसपास जाती है, और आप अगर राजस्थान टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो इससे भी कम जाएगी। अगर आप जीके आपका कमज़ोर है, आप बेसिकली साइंस से रिलेटेड जितने भी बच्चे होते हैं उनका जीके इतना अच्छा नहीं होता है, आमतौर पर समाना जाता है, लेकिन आपके लिए जीके भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी रहती है साइंस के लिए, इसलिए आप साइंस को अच्छी तरह से सब्जेक्ट को क्लियर करें, इसको सबसे पहले क्लियर करें, इसके ही मैक्सिमम मार्क्स को आप कवर कर देंगे तो आपके लिए जीके के मार्क्स अगर आप मिनिमम भी आ जाएंगे तब भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा। तो आप जीके और जो फिजिक्स लैंग्वेज है, जो आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसको अच्छी तरह से कवर करें और इससे रिलेटेड हम मैं वीडियो एक के बाद एक टॉपिक को क्लियर करते हुए बनाता जाऊँगा, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए। ओके दोस्तों ये सिलेबस यहाँ पे कवर होता है और इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। हालांकि वैकेंसी आने में अभी टाइम है, लेकिन आप जितना जल्दी इसको कवर कर सके उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि आपके बर्डन नहीं पड़े और एक बार आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाए इसके बाद आप जीके को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिए कि इसके अंदर क्या नई थ्योरी ऐड की जाए, कैसे इस पे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को बनाने की और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करने की ट्रिक बताई जाए। देखिए फिजिक्स को शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, जैसे आप सोशल साइंस को नई ट्रिक्स डेवलप करके पढ़ सकते हैं,
इसको पढ़ना थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।